नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंशुली भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हिमाचल दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हमीरपुर मंडी नेशनल हाईवे का शिलान्यास करेंगे, डबल लेन रेलवे क्रॉसिंग पुल का भी शिलान्यास करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ी खबर आपको बता दें, 200 पुलिसकर्मी देखेंगे सुरक्षा व्यवस्था, ये इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हिमाचल दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, हमीरपुर मंडी नेशनल हाईवे का शिलान्यास करेंगे, डबल लेन रेलवे क्रॉसिंग पुल का भी शिलान्यास करेंगे, अन्य कई प्रोजेक्ट का भी करेंगे शिलान्यास। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी हिमाचल को देंगे करोड़ों की सौगात, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 200 पुलिसकर्मी देखेंगे सुरक्षा व्यवस्था, ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हिमाचल दौरा और हमीरपुर मंडी नेशनल हाईवे का शिलान्यास करेंगे, डबल लेन रेलवे क्रॉसिंग पुल का भी शिलान्यास करेंगे, अन्य कई प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमीरपुर दौरे पर आ रहे हैं और हिमाचल को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। नितिन गडकरी के दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हमीरपुर से संवाददाता अशोक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमीरपुर दौरे पर आ रहे हैं, आप कितने बजे तक हमीरपुर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं वहां पर? जी बिल्कुल, नितिन गडकरी जो है आज हमीरपुर जिला के दौरे पर हैं। इस दौरान जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है जो नेशनल हाईवे है उनके उद्घाटन और शिलान्यास जो है यहाँ पर करेंगे। करीब 3 बजे के आसपास जो है नितिन गडकरी जो है हमीरपुर में पहुंचेंगे और बीजेपी द्वारा जो है यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है कर ली गई हैं, प्रशासन द्वारा भी पूरी तैयारियां जो है की जा चुकी हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है 200 पुलिस कर्मचारी जो है इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। जी, करोड़ों की सौगात इस दौरे के दौरान मिलने जा रही है हिमाचल को, कितना उत्साह वहां पर बना हुआ है? जी बिल्कुल, काफी उत्साह जो है लोगों में देखने को मिल रहा है क्योंकि आपको बता दें कि जो मटोर से शिमला के लिए के नेशनल हाईवे का काम जो है शुरू हो चुका है, जिसके चलते है नितिन गडकरी जो है यहाँ पहुंचेंगे और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश को जो है विभिन्न जो नेशनल हाईवे और स्वीकृत किए जाएंगे उनके बारे में भी आज जो है घोषणा कर सकते हैं नितिन गडकरी। और इस दौरान जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है उनके साथ विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक राणा इस तमाम जानकारी के लिए। कल जैसा कि आप जानते हैं कि कल माननीय मंत्री जी का प्रोग्राम है, कल लगभग 4 बजे NIT के हेलीपैड पे उतरेंगे और उसके बाद लाइन में एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे जिससे संबंधित सारी व्यवस्थाएं पुलिस ने पूर्ण कर ली है, यातायात संबंधित भी और सुरक्षा संबंधित भी। पूरे हमीरपुर को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और लगभग 200 लोगों को डिप्लॉय किया गया है ड्यूटी पर। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की सोनिया गांधी से मुलाकात, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सोनिया गांधी से मुलाकात की है डिप्टी सीएम ने, एक सप्ताह से चल रहे सियासी घटनाक्रम की रिपोर्ट सौंपी है डिप्टी सीएम ने। तो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे हैं, संगठन के कामकाज के बारे में जानकारी दी है, सरकार और संगठन तालमेल से करें काम सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया है। लोकसभा चुनाव तक सरकार में बदलाव ना करने के संकेत उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो हाल फिलहाल हिमाचल में जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, जो सब कुछ चल रहा है, उसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी है डिप्टी सीएम ने, मुकेश अग्निहोत्री ने की सोनिया गांधी से मुलाकात, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसको देखते हुए काफी ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है, मुकेश अग्निहोत्री से सोनिया गांधी से मुलाकात और कई सियासी मायने जो हैं वो इसके निकाले जा रहे हैं।
संगठन के कामकाज के बारे में जानकारी जो है वो साझा की गई है, लेकिन चुनावी साल है, ऐसे में ये संकेत यहाँ पर दिए गए हैं कि चुनावों से पहले कोई बदलाव जो है वो नहीं किया जाएगा राज्य में। बड़ी खबर आपको बता रहे, मुकेश अग्निहोत्री की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है और इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जो हिमाचल में सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसकी रिपोर्ट सौंपी गई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। धर्मशाला में भारत इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच, जी हां, 7 से 11 मार्च तक भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच और दोनों ही टीमों के बीच खेला जाएगा यह आखिरी टेस्ट मैच। देश भर से मैच देखने पहुंच रहे हैं क्रिकेट फैंस। आपको बता दें, आखिरी टेस्ट मैच के लिए दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आखिरी टेस्ट मैच भारत इंग्लैंड के बीच और काफी उत्साह जो है वो यहां पर देखा जा रहा है क्रिकेट फैंस में। तो धर्मशाला में भारत इंग्लैंड के बीच में ये क्रिकेट मैच जो है वो होने जा रहा है, बड़ी खबर। 7 से 11 मार्च तक भारत इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच होगा, दोनों ही टीमों के बीच में खेला जाएगा आखिरी टेस्ट मैच और 7 से 11 तारीख में ये मैच खेला जाएगा। आखिरी टेस्ट मैच के लिए दर्शकों में बेहद उत्साह बना हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि 11 मार्च तक खुला रहेगा टिकट काउंटर, जो है ऑफलाइन टिकट काउंटर, धर्मशाला में भारत इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच। बढ़ेंगे आगे, उधर हिमाचल प्रदेश में 18 साल से 59 साल की हर महिला को 1,500 रुपए मिलेंगे, इसमें सरकार के हर साल 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर ऐलान किया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि ये घोषणा उनकी ओर से बजट के रिप्लाई के दौरान की जानी थी, लेकिन उन्होंने शोर के बीच इस घोषणा को करना सही नहीं समझा। आप जानते हैं कि तकरीबन एक वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में थी और 14 महीने के कार्यकाल में उस प्रकार की आर्थिक स्थितियों पर हमने नियंत्रण पाया, जिस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हो और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की लायबिलिटीज हो, उसके बाद दिन प्रतिदिन का खर्चा करने की जिस प्रदेश के पास धन ना हो, अपनी नीतियों के द्वारा, अपने कार्यक्रम के द्वारा हमने इस आर्थिक समस्या का सामना किया। उसके बाद प्रदेश में फिर आपदा आई, आपदा के बाद कभी हमने कल्पना भी की थी कि इतिहास की इतनी बड़ी आपदा हमारे जीवन काल में हमें देखने को मिलेगी। तकरीबन 4,000 घर पूर्णतः नष्ट हो गए और 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए। उन परिवारों को बसाने की जरूरत थी, पाई पाई जोड़कर जिस परिवार ने एक घर बनाया होता है उन घरों को बसाने की जरूरत थी और हमारी सरकार ने उन घरों को बसाने के लिए और जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर थे उस नुकसान का जायजा लिया और हमने नियमों में परिवर्तन किया, कानून बदल दिया उन परिवारों की सहायता करने के लिए। जब हमारी सरकार बनी हमने उसमें कुछ गारंटियों का वादा किया था। उसमें पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर थी कि हम अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाएंगे और हमने पहली कैबिनेट में वो करके दिखाया। निश्चित रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण हमारे पर कई प्रतिबंध लगे, लेकिन हम उन प्रतिबंधों से ना घबराकर हमने कहा हिमाचल प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारी जो है जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है उन सभी को इस सरकारी पेंशन
के रूप में सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारी पहली गारंटी को हमने पूरा करने का अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति निभाई। उसके बाद हमारी दूसरी गारंटी थी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना को हमने शुरू किया, 3 चरणों में हमने शुरू किया और पहले चरण में हमने ई टैक्सी के रूप में शुरू किया, दूसरे चरण में हमने स्वरोजगार की दिशा में बढ़ते हुए सोलर पैनल योजना का हमने शुभारंभ कराया और तीनों चरण में हमने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की। गाय और भैंस के दूध का MSP देने वाला हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, गोबर का उपयोग किया जाए, गोबर से की जाने वाली खेती पर भी हमने प्राकृतिक खेती के रूप में 40 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं और 30 रुपए किलो के हिसाब से मक्का की खरीदने की हमने योजना बनाई। हम हिंदुस्तान के पहले राज्य बने जिन्होंने प्राकृतिक खेती पर MSP को लागू किया। इस प्रकार इन योजनाओं का दायरा बढ़ता गया। धीरे धीरे जब हमारा दूसरा बजट हमने प्रस्तुत किया, उस बजट में हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें मनरेगा की मजदूरों की दिहाड़ी प्रतिदिन 60 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए हमने उसमें बढ़ोतरी की, 300 रुपए कर दी गई। आज हम जो हमारी बेटियां 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुकी है और उनके जीवन भर तक जब तक वो इस संसार में रहेंगी, 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। इस गारंटी को हमने लागू करने का निर्णय लिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कहते थे गारंटियों का क्या हुआ। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक गारंटी प्रदेश की नारी शक्ति के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रति माह रुपया 1500 सम्मान राशि प्रदान करना है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में अब जिले के अधिकतर सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। वहीं बर्फबारी के बाद सांगला घाटी में तूफान उठा और पेड़ों के टूटने की वजह से कई वाहनों को भारी क्षति पहुंची है। साथ ही बर्फबारी के कारण जोंगी नाला में ग्लेशियर गिरने से NH5 मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। इसी को लेकर DC अमित कुमार शर्मा ने कहा है कि बर्फबारी के बाद अवरुद्ध सड़कों को खोलने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। निगुनसेरी स्पॉट है, करचम है, रली है, कई स्पॉट्स पे हमारे रॉकफॉल और लैंडस्लाइड आ रहा है और काफी सारे स्पॉट्स पे एवलांचेस और जो ग्लेशियर फ्लो आया है तो उसको लेके जो हमारी स्टेट PWD है, NHAI अथॉरिटी है, ग्रेफ है, इन सबसे कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है। इसके लिए हमने स्पेशली जो हमको JCB की अगर जरूरत पड़ती है, JCB की जरूरत पड़ती है या ट्रेलर की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हमने जो हमारी प्राइवेट कंपनीज है, पटेल इंजीनियरिंग है, JSW है, उनके माध्यम से भी कुछ कुछ एसेट्स का यूज़ किया जा रहा है और टीम्स हमारी ऑन फील्ड है। एंड आज क्योंकि मौसम थोड़ा क्लियर है तो वी आर होपफुल कि काफ़ी हद तक जो क्रूशियल हमारे रूट्स हैं, स्पेशली मेजर NH है, जो रोपा वैली के रोड्स हैं, रिबा के रोड्स हैं, सांगला करचम और जो चितकुल वाले रोड हैं, वी आर होपफुल कि काफ़ी हद तक ये क्लियर कर लिए जाएंगे। और उसके बाद हमारा कल से हमारा फोकस जो गांव के रोड्स हैं वहाँ पे रहेगा। उधर आपको बता दें कि चंबा में बारिश का दौर लगातार जारी है जिससे कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ ही
कई संपर्क मार्ग और मुख्य मार्ग भी बंद हो गए हैं। अब ऐसे में लोक निर्माण विभाग लगातार मार्गों को बहाल करने में जुट गया है। लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं जोगिंदर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बारिश होने की वजह से तीसरा मुख्य मार्ग भूस्खलन होने से बंद हो गया है, लेकिन लोक निर्माण विभाग की कड़ी मशक्कत से तीसरा मुख्य मार्ग पर छोटे वाहनों की आवाजाही को बहाल कर दिया गया है। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। मौसम से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, भारी बर्फबारी और बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। बर्फबारी की वजह से 650 सड़कें जो है वो बंद हो गई हैं। सड़कें बंद होने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान भी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई जगह पर भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लाहौल स्पीति में मोबाइल नेटवर्क बाधित हो गया है। बर्फबारी और बारिश ने मुसीबतें जो हैं वो बढ़ा दी हैं। ये बड़ी खबर, जो मुश्किलें हैं वो यहां पर लोगों की बढ़ती दिख रही हैं। और लगातार भारी बारिश का जो अलर्ट है, बर्फबारी का जो अलर्ट है, वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था, जिसके बाद जो मौसम है वो खराब बना हुआ है। भारी हिमपात जो है वो हुआ है, जिसकी वजह से 650 सड़कें बंद हो गई हैं। मोबाइल नेटवर्क्स जो है बाधित हो गए हैं। सड़कें बंद होने की वजह से आवाजाही जो है वो रुक गई है। कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, तो कई क्षेत्रों में तो बिजली व्यवस्था ही ठप हो गई है। लाहौल स्पीति में मोबाइल नेटवर्क बाधित हो गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, तो लगातार मौसम जो है वो खराब बना हुआ है, और जिसकी वजह से लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बर्फबारी और बारिश रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, जैसा कि राज्य मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया था, ठीक वैसा ही मौसम बना हुआ है, और जो अभी स्थिति वहां पर बनी हुई है उसको लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, बीते दो दिन पहले मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था मौसम को लेकर। और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया कि आगामी 4 तारीख को या 5 तारीख को प्रदेश में जो मौसम है उसमें कुछ नरमाहट देखने को मिलेगी, लेकिन 6 तारीख के बाद एक बार फिर प्रदेश के अंदर जो है पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा और लगातार हिमाचल प्रदेश में जो ये बर्फबारी का जो दौर है वो बदस्तूर जारी रहेगा। तो इसको लेकर आने वाले दिनों में भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर जारी रहने वाला है, तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती साफ तौर पर है। लेकिन प्रशासन की ओर से भी जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक लगातार प्रशासन की जो टीम है वो तैनात है और तमाम तरीके की चीजें, चाहे बात पेयजल परियोजनाओं की किया जाए या फिर सड़क यातायात को बहाल रखने की जाए, तो तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे प्रशासन जो है वो सजग नजर आ रहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। और इसको लेकर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे विक्रमादित्य सिंह, हालांकि आजकल जिस तरह का यहाँ पर घटनाक्रम चला हुआ है उसके मुताबिक कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उनसे, उनकी ओर से कहा गया था कि जब सर्दियों का मौसम आया तो पहले ही जो निचले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, उनसे ज्यादातर जो मशीनरियां हैं, खासतौर पर वो मशीनरियां जो बर्फ हटाने जैसे कामों में इस्तेमाल की जाती है, उनको पहले ही ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात कर दिया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन के लिए वो चुनौती उतनी अधिक नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू रूप में चलाने के लिए जो प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। और दूसरी ओर बात विद्युत परियोजना की जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी है वो लगातार जो जितनी भी जगह पे भी बिजली बारिश हो रही है उसे कम समय में उसे फिर बहाल करने में यहाँ पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जी लेकिन रॉबिन, जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं खासकर बर्फबारी को देखने के लिए, उनके लिए भी कोई एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस बार जो बर्फबारी है वो काफी तेजी से हुई और काफी ज्यादा हुई है। हालांकि जितना मौसम में जिस तरह की एक
लगातार या तारतम्यता बनी रहती थी वो इस बार नहीं है, अचानक से बर्फबारी हुई और इसी को लेकर जो प्रशासन है खासतौर पर पुलिस प्रशासन उसने भी सजगता के साथ अपना दायित्व निभाया है और एडवाइजरी भी जारी की गई है ताकि उन इलाकों में जाने से कोताही बरतने को कहा गया है जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है। खासतौर पर मनाली, कुल्लू और किन्नौर के इलाके हैं, यहां पर बीते दिनों में काफी खासी बर्फबारी देखने को मिली है। तो ऐसे में इन इलाकों में क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रैकिंग के शौकीन लोग और हिल एरियाज के में पर जो पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए खास तौर पर यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी की गई है ताकि इस तरह की कोई भी घटना ना हो जिससे तीन पर्यटक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।